नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन सेज फिगर शो द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल मूविंग ऑन एक्स एक्सेस और एक्स और टी के बीच में हमें ग्राफ दिया हुआ है सा so, हमारे चार ऑप्शन है इट uh, सेज uh, पहला ऑप्शन द पार्टिकल इज कंटिन्यूसली गोइंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन नाउ अगर इस uh, उसको देखेंगे जो अपना ग्राफ बना हुआ है सो so, ग्राफ कुछ इस प्रकार है पहले ग्राफ बना लेते हैं uh, यह आपका एक्स एक्सेस है या आपका टाइम का एक्सेस है टी एक्सेस और यहाँ पर ग्राफ कुछ इस तरह दिया हुआ है ऐसे ये ऐसे बना लेते हैं ठीक है और यहाँ पे कह रहा है पार्टिकल इज़ कंटिन्यूसली गोइंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन नाव आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका सही नहीं है बिकॉज़ ये पार्टिकल पहले यहाँ तक गया है और उसके बाद इस टाइम पे जाके रेस्ट पे आ गया तो ये पोजीशन आपकी रेस्ट पे है तो कंटिन्यूसली एक्स डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा है सो so, आपका पहला ऑप्शन सही नहीं है uh, दूसरा कहता है पार्टिकल इज़ एट रेस्ट नाउ पार्टिकल यहाँ पे आपका मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से सो so, आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ये भी आपका गलत हो गया नेक्स्ट ऑप्शन से द वेलोसिटी इनक्रीजेज अप टू अ टाइम टी नॉट एंड देन बिकम्स कॉन्स्टेंट नाउ यहां पे क्योंकि पार्टिकल यहाँ तो आपकी वेलोसिटी जो है वो आपकी कोई वी वेलोसिटी रही होगी नाउ ये जो आपका पार्टिकल है ये यह यहाँ से यहाँ तक आपका कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से गया है उसके बाद रेस्ट पे आ गया है तो इसका मतलब ये है कि आपका ऑप्शन नंबर सी वो भी आपका गलत ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर डी कहता है पार्टिकल मूव एट अ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी अप टू टाइम टी नॉट एंड देन स्टॉप्स ये आपका सही आंसर हो गया सो ऑप्शन नंबर डी Uh, would be the right answer for this particular problem.